हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। इसमें हम लोग जानेंगे कि सिविल सर्विसेज में आईएएस में यानी यूपीएससी जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसे मेंस के पेपर को हम देखेंगे 2022 के टोटल पेपर को देखेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। आपको पता है कि जीएस में चार पेपर होते हैं और एक पेपर एसए का होता है, पाँच पेपर हुआ, और दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं। तो चूंकि मेंस की तैयारी के पैटर्न को अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिलेबस को याद कर लें, यानी आप लिख लें, बार बार सिलेबस को समझें और क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन सेटर के एटीट्यूड को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को देखकर तैयारी करने का जो पैटर्न है ये सबसे सटीक पैटर्न है। इससे आप जो है ना एक निश्चित दिशा में डिफिनिट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि 2022 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि पहले पेपर पे पहले फोकस किया जाए 3-4 महीना, फिर 4 महीना दूसरे पेपर पे, फिर 4 महीना तीसरे, 3 महीना या 4 महीना, फिर 4 महीना। हाँ, एक बात और, आप ये सुन करके बड़े ताज्जुब में पड़ गए होंगे कि 4 महीना। आपको पता है ग्रुप सी की तैयारी लोग 5-5 साल कर रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस ज़रूरी है, थोड़ा समझ बूझ के चलिए और कॉन्फिडेंट के साथ कॉन्सेप्ट एक एक को क्लियर कीजिएगा तो 3-4 महीना बहुत, और 4 महीना तो उसके लिए है जो 10 घंटा देगा, 8 घंटा। बाकी तो जिन लोगों को 4 महीना भारी लगता है उनका 4 साल में ग्रुप सी भी नहीं होता है। तो बहरहाल आप ये मत समझिए कि 4 महीना ज़्यादा है, 4 महीना एक ऑप्टिमम टाइम है आपको आईएएस के मेंस के पेपर की, एक मेंस के पेपर की तैयारी। अब अकेले आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे ना, इसके साथ आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सबको डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग निबंध की भी तैयारी साथ में कराएंगे, एक ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी आपको करनी है। ये सारी चीज़ साथ साथ चलती रहेगी तब जाके 4 महीने में आपका एक जीएस भी चलेगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे मान लें आप सोशियोलॉजी रख लें, सोशियोलॉजी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है तो उसका भी मैं तैयारी कराऊंगा आपको। तो ये है स्ट्रेटजी। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ये इस तरह का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पेपर नंबर 1। कृपया प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित ध्यानपूर्वक सुन ले। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में वो है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, ये स्पष्ट करना है। 150 शब्दों में उत्तर दे। हाँ, इस बात का भी आप समझिए कि लिमिट होता है शब्दों की। 150 शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक एक शब्द, जैसे का एक शब्द हुआ, राम का, राम एक शब्द हुआ, का एक शब्द हुआ, तो 150 शब्द आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 2 पैराग्राफ हो गया। ठीक है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिएवल इंडिया टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ठीक है, दूसरा सवाल, शुरुआत है तो समझाने में, एक एक चीज को समझ के आप चलिए। और आप ये भी देख लीजिएगा कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, तो आपको ये समझने में आसानी होगी क्वेश्चन कैसे आ रहा है। दूसरा प्रश्न, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। बहुत बेहतरीन, यानी भारतीय सेना जो संख्या में अधिक थी, उनके आर्म्स वगैरह भी अच्छे थे, फिर भी
अंग्रेजों की सेना से क्यों हारती रही, इसके कारण बताया। इन सब का मैं आपको तैयारी कराता रहूंगा। अभी आप पहले पैटर्न को समझिए, और ये इंग्लिश वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं इंग्लिश के चक्कर में अभी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तीसरा प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। अब ये सारे प्रश्न जो आ रहे हैं तीनों हिस्ट्री के, ये एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। चौथा प्रश्न, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये सब 10-10 नंबर के हैं। प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, यह भी एनसीईआरटी से आ जाएगा। 150 शब्दों में ही आपको इसका भी उत्तर करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। पांचवा सवाल, भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात परवान क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, ये ज्योग्राफी से आ गया, ठीक है। और पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। दक्कन ट्रैप 150 शब्दों में यह भी आ गया। और सातवां प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न होंगे, पहले ही आपको लिखा हुआ था वहां, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। ये 150 शब्दों में है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। तो ये है 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देख लें। 8वां प्रश्न है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। 150 शब्दों में, ये भी 10 नंबर के हैं। ये सोशियोलॉजी से है। मैं आपको ये बताऊं कि जीएस में हर एक सोशियोलॉजी भी अब जीएस का पार्ट हो गया है, इसलिए सोशियोलॉजी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी, और ओवल और इंटरव्यू में बहुत फायदा होता है सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों को। तो पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम का असर, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। 9वां सवाल, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। ये भी आपका सोशियोलॉजी का अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी से मिलता हुआ, ठीक है। 10वां प्रश्न, भारत के जनजातीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए, ठीक है। ये भी सोशियोलॉजी का है। गिवन द डाइवर्सिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर एज ए सिंगल कैटेगरी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो पहले तो इनको बार बार आप सुनेंगे, इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, तब जा करके आपको टॉपिक दिमाग में आएगा। 11वां प्रश्न, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, बिल्कुल उदाहरण सहित विचार करें। 250 शब्दों में उत्तर देना है। इसका शब्द बढ़ गया चूंकि 15 नंबर का है, तो 250 शब्द भी आप समझिए एक पेज के करीब करीब हो गया। 12वां प्रश्न, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पे चर्चा करें। ये 250 शब्दों का है। डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये हो गया। आइए चूंकि 13वां प्रश्न, भारतीय मिथक कला वस्तु कला में सिंह वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न,
समुद्री धारणाओं सॉरी समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। यानी समुद्री धाराओं को कौन कौन सी शक्तियां, जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा कौन कौन सी है और कैसे मछली पालन को प्रभावित करती है। 14 प्रश्न हो गए, अब 15वें प्रश्न की तरफ आते हैं। पंद्रहवा नंबर का प्रश्न, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें। इन्वायरमेंटल साइंस से है यह क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से, इसको क्वेश्चन सुनना भी बहुत बड़ी समझिए नेमत है, तभी आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। 16वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। 17वां प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे? बहुत बेहतरीन, खूब पढ़ा है आप लोगों ने इसको मैट्रिक में भी। 18वां प्रश्न, भारतीय समाज में जाति क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए, यह सोशियोलॉजी का प्रश्न है। 19वां प्रश्न, क्या सहिष्णुता सम्मेलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। यह भी आपको सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, सोसाइटी का। उसके बाद आइए 20वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। अब ये हम लोग चारों पेपर को देखेंगे, लेकिन 10 साल के फर्स्ट पेपर को पहले देखेंगे और फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे जीएस की, साथ साथ में एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेकर के चलेंगे, समाजशास्त्र और निबंध की भी तैयारी साथ में करेंगे। तो ये रहा, सेकेंड पेपर देखते हैं अब। तो ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 2 है जो 2022 का है, देखिए लिखा हुआ है सिविल, ये मुहर है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2022, 3 घंटे का है, 250 नंबर मैक्सिमम है। प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व इनको पढ़ लें ध्यानपूर्वक, 20 प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी में भी, जो आमतौर पर इस तरह की बात हर एग्जाम में लिखी रहती है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। अब प्रश्न को हम देखते हैं एज इट इज। पहला प्रश्न, ये यहाँ पे पेपर चूंकि चेंज हो जाता है तो सेकेंड पेपर का सिलेबस अलग है, सिलेबस भी देख लीजिएगा, और वो मैं एक सरसरी नज़र डाल रहा हूँ, लेकिन असल में अभी फिलहाल चलना है हम लोगों को पेपर फर्स्ट पे 3-4 महीना, और साथ में जो बताया सबकी तैयारी होगी। तो अभी एक नज़र हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानिकरण है, सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। ये पॉलिटिकल साइंस जुडिशरी का क्वेश्चन है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है, टिप्पणी कीजिए। ये भी 150 शब्दों में है, 10-10 के आप जान लें, 10-10 के 10-10 नंबर के 150 शब्दों में, और 250 जो 250 शब्दों में है वो 15 नंबर के हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? चौथा प्रश्न, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। बहुत बेहतरीन है, बहुत रिपीट भी होता है ये प्रश्न। पांचवा प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आईएएस में प्रश्न रिपीट नहीं होता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण, सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। छठा प्रश्न, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। जब हम तैयारी करेंगे तब जानेंगे इसका मतलब, अभी तो फिलहाल आप इसको सुनिए और दिमाग में रखिए कि टॉपिक है। सातवां प्रश्न, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है, टिप्पणी कीजिए 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। आठवां प्रश्न, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के मध्य से सरकारी पर्दे व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, टिप्पणी कीजिए 150 शब्दों में। नवा प्रश्न, भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए, बहुत बेहतरीन है। दसवां प्रश्न, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं, इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं, 150 शब्दों में उत्तर करना है, 10 नंबर के हैं। अब यहां से आपका 10 क्वेश्चन 250 शब्दों के होंगे, 10 क्वेश्चन 150 शब्दों के होंगे। 11वां प्रश्न, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए, किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधियों का संदर्भ दीजिए, ये 250 शब्दों में चूंकि 15 नंबर के हैं। नेक्स्ट, अब आइए 12वां सवाल, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचना कीजिए, विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए, 250 शब्दों में है, इन सारे को आप लिखेंगे। 13वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है, टिप्पणी कीजिए। 14वां प्रश्न, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 250 शब्दों में। 15वां प्रश्न, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। 16वां प्रश्न, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। और 17वां प्रश्न, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है, अपने उत्तर को के औचित्य को सिद्ध कीजिए, 15 नंबर का है, 250 शब्दों में। और 18वां प्रश्न,
स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल और UAE, USA के बारे में है। और 20वां सवाल, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये रहा 20 प्रश्न। और ये है 2022 पेपर 3 जनरल स्टडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सिलेबस देखिएगा कि पेपर 3 का सिलेबस क्या है, तब आपको सब समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP की आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इकोनॉमिक्स से है ये सब। दूसरा प्रश्न, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की प्रमुख चुनौतियां क्या है, इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। चौथा प्रश्न, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न, देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौती खड़ी हो गई है, ये नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। अगर आप क्वेश्चन को भी गौर से सुने तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर आपको आप करंट पे भी ध्यान देंगे, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई भी चीज़, तो आप ध्यान में रखेंगे कि क्या आया था क्वेश्चन। आपको बार बार सुनने की आदत डालनी है। छठा प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है, ये सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। सातवां प्रश्न, इसके निर्माण प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। फोटोकेमिकल स्मॉग 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। आठवां प्रश्न, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आठवां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए, हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए। नौवां प्रश्न, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। ये कुछ हद तक सोशियोलॉजी से है, क्योंकि अपराध सोशियोलॉजी का भी पार्ट है और लॉ एंड ऑर्डर का भी है। दसवां प्रश्न, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है, समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की विवेचना कीजिए। ग्यारहवां प्रश्न, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है, इस कथन को समझाइए। ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए
जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। ये है 11 प्रश्न, ये 15वां नंबर का, ये 15 मार्क्स का है 250 शब्दों में। अब 12वां सवाल, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइए 250 शब्दों में। 250 शब्द मान लीजिए एक पेज से थोड़ा कम, 15 नंबर का है। 13वां प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है? यह भी 15 नंबर का है 250 शब्दों के। आगे बढ़िए 14वां प्रश्न, इकोनॉमिक्स का है प्रश्न, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांकन किसानों के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकती है? 15वां प्रश्न, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है, उसमें ऐसी कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? 16वां प्रश्न पे आइए, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करता है? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? करंट से है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए। देखिए ये हर जगह ये क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट से है, काफी मशहूर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो आप कर सकते हैं, बट इसमें यह है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। 18वां प्रश्न, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? उसके बाद प्रश्न, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। 250 शब्दों में। 20वां प्रश्न, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। 15 नंबर का है। तो ये रहा 20 प्रश्न। अब चौथा पेपर हम देखेंगे, ये जीएस का चौथा पेपर है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4। इसमें एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि ये जो है ना, इसमें 12 प्रश्न हैं, 20 नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कहा जा रहा है कि प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है। जैसे अगर आप चुनते हैं कि हिंदी में लिखना है, आपका माध्यम हिंदी होगा, तो आपको टोटल हिंदी में लिखना है, या इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है। यहाँ ये नहीं चलता है, कुछ भी भाषा में आप लिखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला का ए, बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाना जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए
परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यवस्था प्रभावी सेवा वितरण एवं सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। और एक का बी है, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ये 10-10 नंबर के 150 शब्दों में। और दूसरे सवाल को देख लीजिए, दूसरे का भी ऐसी ए बी में, दूसरे का ए, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। और दूसरा का बी है, ये माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? ए, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। पॉटर स्टीवर्ट, इसको लिखना है 150 शब्दों में। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, इसको आपको 150 शब्दों में। पिता, माता और शिक्षक। और आजकल विद्यार्थी पिता, माता और शिक्षक की ही बात नहीं मानते हैं, तो मसला यहीं पे आके खड़ा हो जाता। इनकी बात अगर मान गए तो सफलता निश्चित है। और सी, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा का कथन है, 150 शब्दों में इसका भी उत्तर करना है। चौथा प्रश्न, सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। चौथा कभी, ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, संस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। तो ये रहा पांचवा प्रश्न, पांचवा का ए, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक
इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। अब दो दो नंबर के भी हैं, बी में 30 शब्दों में टिप्पणी लिखें। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हितों का संघर्ष, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, डिजिटीकरण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, कर्तव्य निष्ठा, डिवोशन टू ड्यूटी। छठा प्रश्न, भ्रष्टाचार सूचक विसल ब्लोअर संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वो निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? 10 नंबर का है, 150 शब्दों में। बी, समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉरपोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या आप पाते हैं कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिए CSR यानी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। अब वो ए था, अब बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी, सातवां, प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में विपणन के रूप में कार्यरत था, लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी क्योंकि पिछले दो तिमाही से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन, जो अब तक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई नकारात्मक सफलता नहीं मिली। अब देखिए, इसके आधार पे आपको उत्तर अब देखिए, ए में है, इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए, जो इसमें सुभाष वर्मा और प्रभात की कहानी दी गई है, और उपर्युक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपको बताना है कि कैसा चल रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों होगा, वो आपको अपने अपने डिसीजन मेकिंग, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर जवाब देना है। इसका कोई बना बनाया उत्तर नहीं होगा, एग्जाम में बिल्कुल नया कहानी होगा, नया केस स्टडी होगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अकल लगाना आप जरूर सीखिए। उसी तरह एक नया पैसेज यहाँ पे दिया गया है, रमेश राज सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल सेवा के सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला। रमेश की माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी, रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? सी, प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, रमेश के सामने कौन सी नैतिक दुविधा है? और डी, ई, पड़ोसी देश के अवैध प्रवासियों के घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किस नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? ये आपका तभी होगा जब आप लॉजिकल रहेंगे और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट किया करें, लॉजिकल क्वेश्चन रखें, लॉजिकल आंसर पाएं। नौवां भी ऐसा ही है, और नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन आप देखिए, ए,
जो दिया गया केस स्टडी, इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध है, अशोक द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, डी आपको क्या लगता है कि अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा, और ई उपर्युक्त परिदृश्य में आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन की अवैध गतिविधियां प्रचलित हैं। जो मैं कहता हूं, कह एक बात कि भाई आपके पास कई बार चार चार विकल्प होते हैं, तो आप किन विकल्प को अपनाना चाहेंगे। सपोज चार टीचर हैं तो कैसे आप समझेंगे कि किस टीचर से पढ़ा जाए, किस गाइडलाइन में पढ़ा जाए, तो उसका क्या विकल्प होगा। आप सोच करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, आपका क्या एप्टीट्यूड है। तो एक टीचर है जो बहुत मशहूर है, एक टीचर है जो बहुत योग्य है, एक टीचर है जो न मशहूर है न योग्य है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बैनर छापे हुआ है। कैसे आप समझेंगे किस टीचर के पास आपको पढ़ना है, और आप किस तकनीक से आप पता करेंगे कि वो टीचर आपके लिए उपयुक्त है। इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे। चलिए इसमें भी है, दी गई शर्तों के तहत निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के इसमें इसी तरह के प्रश्न हैं, टोटल आपको विकल्पों में से उत्तर देना है। अब रही बात के इसके लिए हमारा जो समाधान है, हम कैरियर काउंसलिंग जो आपको हर हफ्ते संडे को 6 बजे शाम में करते हैं, उसकी वजह यही है कि आपका लॉजिक, आपकी रैशनलिटी, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट पे डिस्कस हो। आप जब तक इस बात का डिस्कशन किसी इंटेलेक्चुअल से नहीं करेंगे, अब आप एक चीज़ बताइए, आप डिस्कशन भी अपने ही लेवल के व्यक्ति से करेंगे तो आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा। आपके एप्टीट्यूड को और एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको उससे सीखना पड़ेगा जो उस क्षेत्र का माहिर है, जो लॉजिकल है, रैशनल है और जो इस काम को कर रहा है। तो आप जो है ना कैरियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, और जितनी भी वीडियो कैरियर काउंसलिंग की है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें आप हिस्सा लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, जितनी भी वीडियो उसको आप देखते रहिए, सुनते रहिए, जितने भी स्किल हैं। तो ये रहा चारों पेपर, हम लोग एक एक पेपर पे काम करेंगे 4 महीना, काफ़ी इंटेंसिव एक्सटेंसिव अच्छे से तैयारी करेंगे। तो साथ में निबंध को भी लेकर के चलेंगे, जिसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ एक ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी को भी लेकर चलेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि सोशियोलॉजी एक बेहतरीन ऑप्शनल पेपर है, जो बहुत बेहतरीन है आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशियोलॉजी को जीएस में भी है, एसए में भी फ़ायदा करेगा आपको, तो इसलिए सोशियोलॉजी को अगर ऑप्शनल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड शेयर टू ऑल नीडी स्टूडेंट्स, इसको नीडी स्टूडेंट्स को बताइए, सही मानों में जो आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सही पैटर्न से तैयारी करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।